डिजिटल पाकिस्तान के लॉन्च से पहले तानिया ने कोई बातें की और फिर रजा बाकर ने बातें की, तो मैं पहले इसके ऊपर कमेंट कर लूं, क्योंकि एक तरह मैं भी ओवरसीज पाकिस्तानी था। यानी मैं यूनिवर्सिटी बाहर गया और उसके बाद फिर मैंने प्रोफेशनल क्रिकेट आधा साल बाहर खेलता था, आधा साल फिर पाकिस्तान में आके क्रिकेट खेलता था। तो मुझे ओवरसीज पाकिस्तानीज का पूरा आइडिया है कि क्या, किस तरह वो, क्या मोटिवेशन होती है उनकी वहाँ जाने की। फिर जब वो जाते हैं तो वो शुरू में होता है कि कमाई करें, अपनी फैमिलीज़ को पालें, अच्छी उनको एजुकेशन दें, और फिर उनको एक डायलेमा आ जाता है। बच्चे अब बड़े होने शुरू होते हैं, बच्चे पाकिस्तान आना नहीं चाहते, वो यूज्ड टू हो जाते हैं बाहर, अब वो फंस जाते हैं कि हम करें क्या। वो फिर इंतज़ार करते हैं, जब बच्चे थोड़े और बड़े होंगे, चले जाएंगे तो फिर और होंगे, और फिर बेचारे वहीं रह जाते हैं। और मैंने फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन इंग्लैंड के अंदर देखे पाकिस्तानी, फिर उनकी जनरेशंस ओवर द पीरियड बढ़ती देखी मैंने, और फिर उनके ये प्रॉब्लम्स देखे। जो इशू मैं आपको अपने ओवरसीज़, क्योंकि आई होप के ओवरसीज़ पाकिस्तानीज देख रहे हैं, देखें आपको ज़िंदगी में एक फैसला करना होता है, और वो फैसला ये होता है कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। ये आप अपने आप से सवाल पूछते हैं और फिर आपको एक फैसला करना होता है, और जो इसका सही जवाब देते हैं कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, वही लोग दुनिया में ऊपर भी जाते हैं, उनको इज्जत भी मिलती है, उनके दिल में सुकून भी होता है। और जो ये गलत फैसला कर लेते हैं और जिनको समझ नहीं आती ज़िंदगी का मकसद क्या है, उनको फिर बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अब ये जो फैसला होता है कि आपकी अच्छी नौकरी है, तानिया की ज़बरदस्त नौकरी, गूगल के लिए काम कर रही है, पता नहीं कितने पैसे लेती होगी, मुझे तो ज़ीरोज़ भी नहीं पता कि कितने इसके पे चेक पे आते थे। रज़ा, IMF, इनकी रिटायरमेंट को ज़्यादा देर नहीं थी, पेंशन मिल रही थी और IMF की पेंशन, वो छोड़ के आ गए। ये मुश्किल फैसले हैं, और ये जो दुनिया में लोग कामयाब होते हैं वो मुश्किल फैसले करके होते हैं। ये प्लीज़ ये याद रखें, जिसने भी दुनिया में आसान रास्ता लिया है उसकी वो, जैसे कहते हैं, स्मूथ सेलिंग डाउन हिल ही होती है। जब आपके ज़िंदगी में रेजिस्टेंस ही ख़त्म हो जाती है, चैलेंजेस ही चले जाते हैं, इंसान तो बूढ़ा ही तब होता है जब चैलेंज ख़त्म हो जाते हैं। मैंने कितने गवर्नमेंट ऑफिसर्स देखे हैं, जैसे ही रिटायर होते हैं बाल सफ़ेद हो जाते हैं उनके बेचारे, किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, कुछ हो जाता है। क्रिकेटर्स मैंने देखे हैं क्रिकेट छोड़ के, अभी मैं देखता हूँ जो मेरे ज़माने में छोड़ के गए थे वो अभी भी कॉमेंट्री कर रहे हैं। चैलेंज ख़त्म हो गया, चैलेंज जिस दिन आपका ख़त्म, आपकी ज़िंदगी ख़त्म। क्योंकि ज़िंदगी जो आपकी है, जितने आप चैलेंजेस लेते जाते हैं उतनी आप, हर स्टेज एक स्टेपिंग स्टोन हो जाता है। जिस तरह स्कूल से कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फिर नौकरी, फिर डिपेंड करता है कि आप कितना और चैलेंज करते हैं। तो ये अल्लाह ने इंसान को बनाया हुआ है। जो इकबाल का ये जो फैसल ने शेर पढ़ा था कि सितारों के आगे जहान और भी हैं, मतलब ये कि हर सितारे पे पहुँचे तो फिर एक नया चैलेंज आता है। जिस दिन आपका चैलेंज ख़त्म होता है आपकी ज़िंदगी का नीचे का सफ़र शुरू हो जाता है। तो जब ओवरसीज पाकिस्तानी कंफर्टेबल जॉब है, अच्छा, अब ये जब आपको फैसला करना पड़ता है पाकिस्तान जाऊँगा, मुश्किल हालात हैं, करप्शन है, मैं जब काम करने जाऊंगा तो लोग, एक सिस्टम डिसफंक्शनल सिस्टम है उसमें मैं कैसे चलूंगा, तो फिर वहाँ ज़्यादा आसान ज़िंदगी है। तो कई लोग मैंने देखे, उन्होंने कोशिश की पाकिस्तान आने की, मुश्किलात आई, फिर छोड़ के वापस चले गए। आसान ज़िंदगी है। आप जब, जो हमारे में से नमाज पढ़ते हैं, तो आप नमाज में याद रखिए एक ही चीज़ मांगते हैं कि अल्लाह मुझे उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी, उनके नहीं जो उस रास्ते पे चले गए जो उनकी तबाही है। अब ये डायलेमा है,
نماز میں آپ مانگتے ہیں وہ والا راستہ جس میں اللہ نے نعمتیں بخشی, اور وہ اللہ کے نبی پیغمبر تھے, ہمارے پیغمبر اور سب سے بڑے اللہ کے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ یاد رکھے, کسی پیغمبر کی زندگی آسان نہیں تھی, ان سب نے مشکل راستہ لیا تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک کامیاب بزنس مین تھے, ان کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ ایک دم جائیں اور مشکلوں کا سامنا کریں پڑے اور لوگ ان کے اوپر طنز کریں اور ان کے لوگوں کے اوپر فزیکل ٹارچر کریں, جو ان کو 13 سال مشکل وقت سے گزرے, ان کو ضرورت تو نہیں تھی. تو بڑے آرام سے کمفرٹیبل ایک بزنس مین تھے, کامیاب تھے. سو یہ جو مشکل راستہ ہے, پلیز میں اپنی اوورسیز پاکستانیز بھی اور اپنے پاکستان میں نوجوان بھی, یہ جو آپ جو لوگ آسان راستہ ڈھونڈتے ہیں, یہ آپ کی بہتری کا راستہ نہیں ہوتا. اس لیے میری زندگی میں جن لوگوں نے بڑے کام کیے ہیں, انہوں نے ہمیشہ مشکل راستہ یعنی بڑے فیصلے کیے ہیں. بڑا فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ بڑا فیصلہ وہ ہوتا ہے جس میں رسک ہوتی ہے, اس لیے بڑا فیصلہ, نہیں تو سب کر لیں. تو جنہوں نے بھی آج تک زندگی میں اوپر پہنچے ہیں, بڑے فیصلے کیے. اس لیے میں آپ دونوں کو داد دیتا ہوں, اور میں آپ کو یہ آج دونوں کو آپ کو کہتا ہوں, وقت ثابت کرے گا کہ یہ جو آپ نے فیصلہ کیا, ایک ٹائم پہ آپ جا کے ریئلائز کریں گے کہ یہ آپ کی زندگی کا ایک واٹر شیڈ تھا, ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا زندگی میں. اور یہ آپ ازما کے دیکھ لیں کہ وہ لوگ جو یہ رسک لیتے ہیں زندگی میں اور مشکل فیصلہ کرتے ہیں اور بڑا فیصلہ کرتے ہیں, بڑا فیصلے میں ایک اور چیز ہوتی ہے, اپنے سے ہٹ کے ہوتا ہے. جو چھوٹا فیصلہ ہوتا ہے وہ ذات کے اوپر ہوتا ہے, سیلفش ہوتا ہے, اپنی میری ذات, میری زندگی, میری تنخواہ. جو بڑا فیصلہ ہوتا ہے وہ پھر آپ انسانیت کا سوچتے ہیں, جو کہ اللہ کے سارے پیغمبروں نے سوچا تھا. اب جو آج ڈیجیٹل پاکستان ہے, مجھے اس کے اوپر پہلے توجہ دینی چاہیے تھی. یہ پاکستان کے اور خاص طور پہ ہمارے یوتھ کے لیے یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, کیونکہ یہ دنیا اب اس طرف جا رہی ہے اور ہم آگے پیچھے رہ گئے اس میں سے. اور جب میری گورنمنٹ آئی تو اصولوں تو مجھے شروع میں اس کے اوپر توجہ دینی پڑی تھی, چاہیے تھی, لیکن آپ سب جانتے ہیں اور میرے سے سن سن کے بھی تنگ آ گئے ہوں گے کہ بڑا مشکل وقت ملا ہمیں. اور یہ آپ 5 سال میرے سے سنتے رہیں گے, 5 سال, 5 سال آپ میرے سے سنیں گے کتنا بڑا خسارہ ملا ہمیں, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. میں سارے لوگوں کو بتا چکا ہوں, پہلے تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا ہے. 5 سال کے بعد بچے بچے کو پتا ہوگا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا ہوتا ہے, جس کو ہم نے سرپلس میں کر دیا. اور پھر فسکل ڈیفیسٹ یعنی آمدنی اور خرچے میں جو خسارہ تھا وہ ہمیں تاریخی ملا. پھر سارے ادارے ڈیفیسٹ میں تھے, ایک گورنمنٹ کا ادارہ نہیں تھا جس میں ریکارڈ ڈیفیسٹ نہیں تھا. اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑا پرابلم تھا, ہمارے روپے کے اوپر پریشر تھا, جو ابھی رضا باقر نے بات کی کہ جب آپ کے روپے کے اوپر پریشر پڑتا ہے, کیونکہ آپ کے جو ڈالر اندر آ رہے ہیں وہ کم ہیں اور آپ کے جو ملک سے باہر ڈالر جا رہے ہیں, خاص طور پہ لنڈن اور بڑے بڑے گھروں پہ وہ زیادہ ہیں, باہر جا رہے ہیں, تو وہ جو خسارہ ہوتا ہے وہ سب سے بڑا اس کا پریشر پڑتا ہے روپے پہ. اور جب روپیہ پریشر میں آتا ہے اور جب روپیہ گرنا شروع ہوتا ہے تو پھر پچھلی گورنمنٹس اپنے فورن ایکسچینج سے پیسہ خرچ کرتی تھی روپے کو آرٹیفیشلی اوپر رکھنے کا, مصنوعی طور پہ. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارا فورن ایکسچینج جو بڑے آگے ہی خسارہ تھا, تو جو ہمارے ریزروز تھے وہ ہم نے خرچ کر دیے روپے کے اوپر. تو جب ہمیں جو سب سے بڑا ہمارا مسئلہ تھا کہ ہمارا روپے کے اوپر رن نہ ہو جائے, یعنی 200 سے 250 پہ 300 پہ بھی جا سکتا تھا, ہمارے پاس تو پیسے نہیں تھے روکنے کے لیے. تو یہ بہت بڑا چیلنج تھا. اور ساری میری توجہ, میں شروع میں تو نہیں سمجھ رہا تھا کہ اس کے اوپر ہوگی, لیکن ساری توجہ پھر لگ گئی میری ایز اے پرائم منسٹر کہ اکانومی کو سٹیبلائز کیا جائے. جب تک روپیہ سٹیبل نہیں ہوتا انویسٹمنٹ نہیں آتی. کون ڈالر کو کنورٹ کر کے روپئے میں دے گا کہ اگر روپیہ اور گرنا نیچے؟ تو وہ جو سٹیبلائزیشن پیریڈ تھی وہ ہمارے پر بڑا پریشر تھا. اسد عمر ہماری شروع میں ایک جو ٹیم کا حصہ تھے انہوں نے بھی پورا زور لگایا, موجودہ جو ہماری ٹیم آئی انہوں نے پورا زور لگایا, اور اللہ کا شکر ہے آج کہ آج وہ سٹیبلٹی جو کہ
हम तो लोग कहेंगे जी आपने तो कहना इमरान खान तो ऑप्टिमिस्ट है, हमेशा समझता है कि अच्छा हो जाएगा, लेकिन बाहर की एजेंसीज, वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक और आखिर में मूडीज की, जब इनकी जब ये कहते हैं कि इकॉनमी स्टेबल होगी तो इसका मतलब कि कॉन्फिडेंस है, वो रिफ्लेक्ट होता है हमारी स्टॉक मार्केट के ऊपर और जो इन्वेस्टमेंट बढ़ती जा रही है। तो अब हमारी पूरी तवज्जो होगी इसके ऊपर, तानिया का और जो ये जो प्रोजेक्ट आप डिजिटल पाकिस्तान प्रोजेक्ट, इसके ऊपर पूरा जोर लगाएंगे। इसकी कोई लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, इन्होंने डिटेल्स में भी बता दिया कि एक तो अनलीश करेगा हमारी नौजवानों का पोटेंशियल, ये जो हमारी नौजवान आबादी है, यंग पॉपुलेशन है, दुनिया में सेकंड यंगेस्ट पॉपुलेशन है, ये हमारी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो सकता है इसी एक ही चीज़ के ऊपर, डिजिटल पाकिस्तान की वजह से, एक चीज़ से, इस एक के ऊपर अगर हम जोर लगा दें तो हमारी यही आबादी एक ताकत बन जाएगी। ख्वातीन इसके अंदर पूरी तरह कॉन्ट्रीब्यूट कर सकती हैं, नौकरियां मिल सकती हैं, अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ख्वातीन ये देख लें, तानिया को देख लें, तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगर अब हम इसका पूरा फ़ायदा उठाएं, और इंशाल्लाह अब से हम इसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे। जो दूसरा इसका जो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि पाकिस्तान का जो करप्शन है एक एंडेमिक, यानी एक नीचे तक पहुंच चुकी है, ऊपर करप्शन हमेशा ऊपर से शुरू होती है, जो ऊपर से शुरू हुई वो तो बाहर चले गए हैं, वो पहुंच गई अब नीचे। हमारी कोशिश होगी कि ये अपनी ई गवर्नेंस से, क्योंकि ये सबसे बेहतरीन तरीका है करप्शन ख़त्म करने का, लोगों की ज़िंदगी आसान करने का। गवर्नमेंट के साथ जब आवाम का ताल्लुक होता है तो उनके लिए आसानी पैदा हो जाती है, जिस तरह तानिया ने कहा लाइनों में नहीं खड़ा होना पड़ता। दुनिया भी इतनी तेज़ी से आगे जा रही है, आखिर में आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर ही सब कुछ हो जाएगा। ये सबसे बड़ी इसकी अवाम की ज़िंदगी आसान करने के लिए ई गवर्नेंस है। हमने शौकत हानम में ई गवर्नेंस हम आज से 19 साल पहले लेके आए। उसका फ़ायदा क्या हुआ कि क्योंकि पर्चियाँ ख़त्म हो गई, सारी जो छोटी मोटी जो पिलफरेज होती थी सब ख़त्म हो गई, और वो तो हमने अपनी आंखों से देखा कि एक इदारे के अंदर जैसे ही ई गवर्नेंस आई, इदारा चेंज हो गया और बेहतर हो गई गवर्नेंस। वही कोशिश कर रहे हैं हम गवर्नमेंट में, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि बड़ी रेजिस्टेंस आ रही है। हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, हम पूरा जोर लगाते हैं, लेकिन पूरी कोशिश कर रहे हैं रोकने के लिए, लेकिन मैं उनको मायूस नहीं करना चाहता, लेकिन आप ज़्यादा देर रोक नहीं सकेंगे। हमने पूरा डिटर्मेंट है अब इसके ऊपर, जिस तरह मैंने कहा पूरा एम्फोसिस होगा, हमारी पूरी गवर्नमेंट पूरा इसके ऊपर जोर लगाएगी। और जो अगला अब हमारा फेज़ है कि ये सारी हमारी जो डॉक्टर रज़ा बाकर ने जो बताया कि ई कॉमर्स के अंदर पहले साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज पूरे रिजॉल्व करके इंशाल्लाह उसके ऊपर भी पूरा जाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हमारी गवर्नमेंट अब पूरा पूरी तरह डिजिटल पाकिस्तान के ऊपर जोर लगाएगी। मैं आपको फिर तानिया आपको भी और रज़ा आपको भी मुबारक देता हूँ। मुबारक इसलिए देता हूँ कि आपने मुश्किल रास्ता लिया, घबराना नहीं है आपने। मैं जब मैं पहला मैंने ख़िताब किया तो मैंने कौम से कहा आपने घबराना नहीं है, और मुझे अफसोस है कि कई बड़े घबरा गए थे बीच में, अभी भी घबराए हुए हैं, लेकिन कोई फिक्र ना करें, इंशाल्लाह ये जो अब पाकिस्तान का जो आने वाला दौर है, ये बड़ा एक्साइटिंग दौर है। ये बड़ा एक्साइटिंग दौर इसलिए है कि आहिस्ता आहिस्ता हमें भी समझ आ गई है गवर्नेंस में क्या क्या प्रॉब्लम्स थे। आपने देखा होगा पंजाब के अंदर एक ब्लड बाथ हो गई है तबादलों की, और ये जो चेंजेस हैं ये सीखते रहे, जैसे जैसे हमें पता चलता जा रहा है हमारी टीमें बन रही हैं, और आप देखते रहेंगे कि ये क्वांटम लीप आप हम इस मुल्क को आगे लेके जाएंगे। सबसे बड़ी मुझे खुशी ये है कि पाकिस्तान इस वक्त इंटरनेशनली रेलेवेंट हो गया। कहाँ हमारा एक वन पॉइंट होता था कि पाकिस्तान को पैसे दो और किसी की जंग लड़े,
और कहाँ आज पाकिस्तान पीस मेकर दुनिया में बन गया, दुनिया के मुल्कों में जो आपस में लड़ाई है उनको इकट्ठा कर रहा है और ख़ास तौर पर इंशाल्लाह उम्मा को हम इकट्ठा करने में अपना पूरा रोल अदा करेंगे।